राम राम, हार्दिक स्वागत है अपने सबको जनन अपने हेरटी एपिकल टीवी और ये एपिकल टीवी के आयोजना में भेटी रहल थारू कलाकार जगत के विगत वर्तमान और भविष्य के बारे में समीक्षात्मक भाषण अपने सबको जनन ढेर से ढेर स्वागत बा। ई कार्यक्रम की ये छलफल की अपने एपिकल टीवी के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल मार्फत हेरटी हेरा टीवी में भी टोनी लारोस्ट के आज की कार्यक्रम में हमरे मैं तो हमने फिर करूँ इस जोन थारू कलाकार जगत के विगत वर्तमान और आईना भविष्य के बारे में यह कला यह कह पड़ल यह क्षेत्र के विभिन्न पाठ संहार संहारती रहल विभिन्न व्यक्ति टोइन संग बातचीत करब हमरे विगत कैसे रहे अब भविष्य वर्तमान कैसे हो आईना भविष्य कैसे हो के यही यावत बारे में हमरे बातचीत करब। और आज हमारे कार्यक्रम में बताई राजू चौधरी जो गायक के रूप में अपन की स्थापित कर सकले बताई दुई दशक आके वहां पीरना मानो धानी का एक लोक थारू लोक गीत से इस क्षेत्र में पॉलिटेक ले रही और पास उस समय में वो कह पड़ल साठी के दशक में वहाँ ढेर जैसे लोकगीत गई नहीं अब के यहाँ सत्तर के दशक में आए वर्तमान अवस्था में वहाँ लोकगीत के संगे संगे अपन एक ठो कह पर अपन के ही नया समाज अनुसार एडॉप्ट करती ले जाती बताई आधुनिक पाठों के गीत में फिर वहाँ हाथ डर ले बताई जस्ट अब के गीत कभी कभी से खोलो खोलो मन के बात ये धड़कन बन के जैसे आधुनिक पैटर्न के गीत में थे वहाँ हाथ डर ले बताई वहाँ गायल गीत लगभग एक दर्जन से ढेर गीत बतीन अक्सर उन लोग थारू लोग गीत बटीन जेमने हमार मन में सोचो करम लागे आग सोलह सिंगार लहंगा फरेम देखनु अपने सब कुछ सुन ले बटी ऐसी गीत रहल बटीन। और उस के हमार दोसर वक्ता बटे चंद्र चौधरी चांद निर्देशक के रूप में अपन की स्थापित कर सकले बटे ये क्षेत्र में वहाँ अभागन बनल सुहागन कना फिल्म से कथा पट कथा सहायक निर्देशक के रूप में ये क्षेत्र में अपन पहला टेकले रही विगत दुई दशक आगे ओकर पास वहाँ ढेर जैसी फिल्म में सह निर्देशक के रूप में काम करने और पाँच हजार के एक ऐसी तकदीर जीना मोर सहारा गोटियार जैसी फिल्म में मुख्य निर्देशक के रूप में काम करती आयल बताई पाँच एक समय हेरबी कले से वहाँ कुछ म्यूजिक वीडियो में फिर अपन निर्देशन कला देखा सकले बताई। और दोसर बटे हमारे सतीश सिन्हा सतीश सिन्हा एक ठो गैर थारू समुदाय के भी से फिर विक्रम संवत 2062-63 और 60 के दशक पर वहाँ राणा थारू फिल्म मंगनी से अपन छायांकन और संपादन के काम शुरुआत कर ले रही अपनो सम करती बताई वहाँ अक्सर जटरा फैंस का म्यूजिक वीडियो आइट चलचित्र थारू चलचित्र संपादन निर्देश छायांकन करना अक्सर विशेष करके सतीश सिन्हा के रहट वहाँ पे लगभग डेढ़ दशक से इस क्षेत्र और बताई। और वीर चौधरी एक तो अभिनेता के रूप में अपन की स्थापित कर सकले बटे इस क्षेत्र और वहाँ ढेर जैसे 2066 साल और एक दशक आके लगभग वहाँ कबू लचक के कबू मचक के कना थारू गीत मार्फत इस क्षेत्र में प्रवेश कर ले रही वो गीत में अभिनय मार्फत कह पड़ल इस क्षेत्र में आयल रही और चार दजर से ढेर म्यूजिक वीडियो में अभिनय कर सकले बटे कुछ चलचित्र में फिर वहाँ अपन अभिनय कला देखा सकले बटे वस्ते के अब हमारे कार्यक्रम की आगे बढ़ाई कार्यक्रम की आगे बढ़ने में मैं पहले शुरू बात करना चाहता हूँ हमार राजू राजू चौधरी से जो एक गायक के रूप में अपन की स्थापित कर सकले बटे वहां से हमारे बातचीत करब। राजू जी हेलो राजू जी हेलो नमस्कार राम राम सबसे पहले एपिकल टीवी और हमारी सबको श्रोता विन और सबको जाने मोर तरफ से राम राम भाई वस्ते के राजू जी अब एक दशक पांच एक कैसे समझे भी जोन एक दी दशक लगभग आगे सम अपने पीरना मानो धानी मारो देखो लोग उस समय में लोग गीत ढेर गई गई ले रही है अपने उस समय की कैसे समझ भी हजुर सर उस समय समझे भी कले से एक तो बहुत भित्रे मन से खुशी लाग के का सर उस समय समझे भी कले से एक पाटो से हेर भी कले से कैसे कले से उस समय में सबसे अपनी के कल्चरल गीत बास गांव घर में स्थानीय लोकल मनई गांव घर में करना नाच गोइल हरेक चीज बैठकी झुमरा वो चीज के समय में फे अब ये आप अपनी के ये चीज है दस्तावेजीकरण नहीं रहे हमारी थारू गीत संगीत के में तो पहल पहल शुरू में जस्ते बेला में दस्तावेजीकरण के लग हमार रेशम चौधरी दाजू के भी पुस्तक हमार स्वर्गीय पटीराम दाजू ने शुरू कर लस्ते वह समय के हमार मणिराम सर थे शुरू कर बेला रही उ बेला में बहुत दुख कैल बेला याद आई सर उ बेला दुख कैलक अब थोड़े खुशी लागे जस्ते परिस्थिति रहे उ बेला में तर दुख कर ली अब
अवस्था में हंस रहा थे शायद वो बेलम हमरे का नहीं करती वह बेलम करना जैसे लागत ये बा पहले का हमरे राज्य हमरे ठीक सिस्टमिक तरीका से जाए और वो मैं ऐसे गुंडागर रूप में बताए कि उस समय के जो वह 60 के दशक और 50 के दशक और अपने ये क्षेत्र और आयल हुई थी उस समय के बढ़िया पाटो का कर रहे गुंडागर रूप में बताए बर नहीं बढ़िया पाटो का कर रहे एक ठो अलग अलग कहे पर सिस्टमिक तरीका से कहे बर हजुर सर ठीक बा सर एकदम बढ़िया प्रश्न कर ली उस समय में एक ठो बढ़िया पाटो कैसे कार्य करे से बहुत मने इंकरेज करे हजुर के वो चीज के बारे में नहीं ये हमारे गीत मासे बचाई पड़ना हो बढ़िया हो पूरे ये चीज करते कले से तरह उस समय में नई मजा पाटो करना कार है एक ठो मजबूरी बाध्यता में रहे कि जैसे कि आर्थिक रूप आर्थिक समस्या सबसे भारी है अब कोई फिर कहता लेकिन ये चीज काम करो तर ओकर लगते अपने के वो बेला में ओटर आधुनिकीकरण नहीं रहे केकरो लगे अब जैसे जस्ते थोड़े यहाँ और करके लगानी कर दी ये आगे बढ़ी एक अलग थोड़े वो कर दू कना फिर कोई वैसे नहीं रहे कहा नहीं मजा पाटो कलक वो है कह पड़ल इंक्रेज चाहे मौखिक रूप से हौसला दे हुआ बहुत से मिले हजुर के उड़ी बेला अपने के खोज खोज के गीत सुनाई मैंने ओतरे मन लगे हजुर के MP3 के जमाना नहीं रहे सबसे मजा पाटो कना कार है से एक ठो कैसेट किन के बाजार से लान के घर घर में टेप लान के बजाई वो सबसे खुशी की बात वो है रहे हजुर के अब वो अब गीत संगीत के बात करी आपका मतलब गीत संगीत कैसे रहे उस समय के संगीत हुईल शब्द हुईल अब के हेर भी कल से आधुनिक जमाना में बढ़िया बढ़िया एकदम सर उस समय में एकदम कार है कलेश सर नहीं अब खास करके अब जस्ते अब हमार गीत बांस कलेक्ट खास करके स्थानीय लोकल बाजा गांव घर में किल बजे हिसाब से में बजा जाए थे वो शुरू शुरू में अपनी के शुरू शुरू में वो जब हुई बेर वहाँ का हुए कलेश अपनी के आधुनिक बाजार संग हमारे जो थारू कल्चरल बाज है ओकर बेस अलग जिने का मिलाई खोजती तब मन तनिक फरक लगना वो भिन्न लगना थे वो प्राविधिक विन है जो रही जे एरेंजर मिक्सिंग करे विन है अपठार ते रहिन तर वो संग संगे हम इन फे अपनी के लोकल स्थानीय गांव में गायल गीत वो स्टूडियो में जाके टाइमिंग में गई ना हेरी बहुत करा रहे हजुर के कहा हर की हमरे टे अपनी के पूरा मंद्रक ताल में चाहे झल ताल में चाहे आगे हो चाहे पाछे हो झमझम झम ना चलू वहां जेबी कले से टाइमिंग सिस्टम रहत उ सब उतरे बहुत फर्क रहे वो बेलम अब का हो कले से सर अब एक अवस्था में का आइल कले से अपनी के जस्ते चाहे जौनो फिर गीत बनाए लगबी थे ओकर कंपोज से लेके शुरू से लेके शुरू से अपनी के बनेबी तब से अपनी के टाइमिंग में जेबी अपने वहां पहले ही सोच भी की चीज में ऐसी में गाना लिखे बेर गाय बेर शब्द काट सट करे बेर मिलाई पड़ना हो अपने नहीं मिलाई चीज वो अपनी के अरेंज करू या मनिया संगीत भरू या मनिया पहले भी मिलाए थे अत्र सजिलो बा टेक्नोलॉजी बा है ठीक बा राजू जी एक पैसे फैन से अपने से जोर अब एक लग भर में बात करना चाहता हूँ वीर चौधरी से वीर जी अमरीन सुनती वीर जी अपने म्यूट बटी अनम्यूट कराई यहाँ अपने का आवाज म्यूट में बटी अपने हाँ लिए हाय स्वागत है वीर जी कार्यक्रम में ओके संपूर्ण संगठन धन्यवाद देना चाहूँ और राम राम सकून तरफ है हमारे एकल टीवी हेर के बैठे तरफ है संग्रह सकून मोर तरफ से एकदम ही राम राम और ठीक बात गीत जी अपने लगभग बात कर 60 के दशक पर क्षेत्र और लागल थी कि वो कब बुला सके कब ना सके नहीं जहाँ से मैं अपने की गीत घरे ले रहे हैं लागे तो ये लोग ये मुंडा भर बरा भारी पर बदला जहाँ से सांवर सांवर ये गीत में वीर जी लाइट का नेटवर्क स्लो हो टीम जस्ट लाल लिए वीर जी उस समय कैसे समय कैसे रहे अवस्था उस समय में कलाकार इनके एक बार भी नहीं नसुई इनके अभी नहीं देखनी इनके अवस्था कैसे रहे कैसे शुरुआत कर ली कैसे रहे उस समय की अवस्था उस समय जब स्टार्टिंग फेस रहे बस स्वयं मोर अपन स्टार्टिंग फेस रहे उस समय में अजोन फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे डायरेक्टर सुधराम जी ने ऑफर दे ले रहे उस समय बार जोन हमारे डीवी कैमरा से खींचना अवस्था रहे उस समय कोई टेक्निकल पार्ट्स थे वैसे बढ़िया बढ़िया नहीं आयल रहे जब कैमरा रहले से थे एकदम डीवी कैमरा से यूज करी ट्राली के थे व्यवस्था नहीं रहे उस समय में सो एकदम गाढ़ो परिस्थिति में थे हमरे वो म्यूजिक वीडियो कराल रहे एकदमै दुख लागत कि अब उस समय परिस्थिति हेर के अब जो सिस्टम हेर्थी थे उस समय से हेर्थी एकदमै दुख लागत कि हमरे इस समय से हम इस परिस्थिति से अब हमरे गुजरल रही
अब जो हम जो यूटिलाइज कर पाए जो सिस्टम जो प्रारा है कि अवस्था एकदम खुशी लागत है कि पहले का अवस्था एकदम डीवी कैमरा से खींचना और कैसेट के जमाना रहे कैसेट से हेरना नहीं एकदम गाढ़ परिस्थिति रहे उस समय में तो पब्लिसिटी फैन नहीं हो पाए काहे कि अब एक तो कैसेट के जमाना रहे एकदम सीमित एरिया में निकल रही जाओ का म्यूजिक वीडियो खुशी लागत देश विदेश में रह संगे होकर देखे पाते सुने पाते चिन्ह जान भी ना मौका मिलता है एकदम खुशी लागत पहले वीर जी हमरे सिस्टमिक तरीका से बात करी अपने एक ठो अभिनय क्षेत्र लागल माने इटी अभिनय के क्षेत्र में अभिनय में केंद्रित होके उस समय कैसिन रहे मजा नहीं मजा बताए बेर उस समय कलाकार कैसिन रहे का मैं लागत उस समय में जो स्टार्टिंग फेस में रहे जो हमारा अग्रज हो गए रहे जो प्रेम दास जो कलाकार हुकरन के जो जो वहां हुकरन के जो लक्ष्य रहे नहीं जो वहां हुकरन के पहिने एक सम्मान रहे तर अब इस समय में तो इन लगभग कम हुई गिल जैसी लागा था काहे कि अब एक उस समय में तो एक म्यूजिक क्या कहते हैं फिल्म के थारो इंडस्ट्री के एकदम आगे बढ़ल रहे जो स्टार्टिंग फेज रहे जे जो ठीक है वीर जी अपने से फेन से हमरे जुड़ब एक बात है हमारे चंद्र चौधरी आ गए बताए वहाँ ही का स्वागत करी हमरे चंद्र जी म्यूट फील ही चंद्र जी अनम्यूट करी ना अपने पंद्र हेरी कोनो मेरी यहाँ अनम्यूट ही लाल लाल ले ना ली गई ली चंद्र जी स्वागत अपने है कार्यक्रम में हाजिर धन्यवाद ली कार्यक्रम में एलबीटी उस समय में अपने लगभग नहीं लागत ये दुई दशक आगे से अभागन मरम सुहागन से शुरू कर लिए नाच में की कथा वस्तु नाच करी कथा वस्तु में नाच मिला वही एक ठो फिल्म बनाई ना शुरू कर ली पटकथा संवाद और सहायक निर्देशक के रूप में आई उस समय कैसे मिल रहे पक्के थे वो समय है एकदम यादगार समय वहां कहीं मोर मतलब जब हमरे ये अभागन बने सुहागन हमरे भक्खर लगभग एसएलसी दे के हमरे बैठल रही वह टाइम से कही गांव घर में नाटक करी नाटक करना क्रम में कही कुहिरा फिल्म के हमारे प्रोड्यूसर रहे लालवीर चौधरी जी वहाँ अल कहीं कुहिरा प्रदर्शन क्रम में गांव गांव में प्रदर्शन करे नहीं तो वह क्रम में हम इनसे भेंटघाट हुई तो लो ठीक बा हजूर के यहाँ के मानने जने मने बटी इस पूछे बार और जहन से महीन देखेल का हूँ तो वह जो नाटक है कही फिल्मांकन करके कही हमने कही तो जन मानस में कही शुरू करनी कही दिखाई कही शुरुआत करना करन कही उस समय जहाँ सम थारू चलचित्र जगत के बात हेरवे कले से ढेर जैसे मने छिटपुट रूप में सुन मिला रहे जीत भूत थारू पहल चलचित्र हो गई थे कहीं मन अगर फिर दस्ता भेद नहीं मिलल का नहीं मिलल जहाँ सम पाँच हजार के करम जो 2046 साल में पूर्वेली थारू भाषक चलचित्र रहे हमारी यहाँ और बरसठी तिरसठी और साइड हटाई कोई पश्चिम नेपाल और बन गई है तो उस समय जोन एक तो निर्देशक के हिसाब से किसी ने रहे उस समय में निर्देशन करना कटला सह दे रहे कटला कर रहे है कौन ये हमारी करम के बेला में या कि हमार जब शुरुआत कर ली उस टाइम में फिल्म के टाइम में मतलब अब असिन हो गई उस टाइम में तो मैं एक तो लहे लहे में लागल हंस के एक तो इच्छा तो पहले पक्के फिर है कहीं नहीं एकदम आईना कहीं फिल्म बनाईना गाना गाईना कहीं नहीं तो वह क्रम में कही जब अभागन मरण सुहागन हमरे कही जब
निर्माण करना शुरू हुए टाइम में तो वहीं नाटक के हिसाब से पूरा वैसी ज्ञान कुछ नहीं रह गई। तो हमारे रंजीत राणा डायरेक्टर साहब रही तो वहाँ के संगे संगे काम करते करते गए कहीं कुछ सब शूटिंग शुरू में शूटिंग मिला तो मैं कुछ नहीं पता चले कि डायरेक्शन का हो कहाँ से एंगल कहाँ से काल है कहेंगे तब जब धीरे से गौर कर 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 पास कही अपने ही कही नहीं उसी के डायरेक्ट रूप में नहीं सिखा नहीं सिखाने की मैं अपने कही उनके हेयर के कही सिखत 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 कही मैं काम कही शुरू करल हो कही मतलब पार के नहीं पकड़ के सीख ली गए परल। हाँ जरूर जरूर तो उस टाइम में काम करना तो गारे रह गई अब कसी कर ले बेटर हुई कसी बना पे मजा हुई करना एक चैलेंज के विषय फिर है कही तो विषय में कही अब पाँच छः से काम सीखती गिरी तो पाँच कही थोड़ी कही फिल्म असिस्टेंट करती 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 राजू ढोस के असिस्टेंट कर लो कही और डायरेक्टर होकर असिस्टेंट कर लो कही तब पाँच जाके अपन फुल्ली डायरेक्शन कही मॉल जिना मोर सारा हो गई कैसी तब्दील हो गई अस्ते के गुने वो तैयार फिल्म कही शुरू कर लेती कही। ली ठीक बात संदर्भ जी आपने से फिर से जुड़ा हमरे अस्ते ऑनलाइन ही मेरा भी अब मैं बात करना चाहूँगा हाँ हमार सतीश सिन्हा से वहाँ एक ठो केवल छायांकन और संपादन के क्षेत्र समर्थि बताई सतीश जी स्वागत अपने कार्यक्रम में एकदमै नमस्ते सबैलाई राम राम मेरो तर्फबाट र श्रोता दर्शकबिनलाई सबभन्दा पहिला त म नेपालीमै बोल्न चाहे है त ठीक छ भाषाको भाषाको विषय लिएर कमेन्ट नगरिदिनु होला कोही पनि पहिले नै भन्न चाहे मैले हजुर सर सतीश जी लगभग मंगनी राणा थर भाषा के चलचित्र लगभग हमारे वर्ष डेढ़ दशक आगे चलचित्र से छायांकन संपादन के पाटो समृति क्षेत्र और रही उस समय कैसे रहे प्रविधि के हिसाब से थार कलाकारिता जगत एकदम म एउटा प्राविधिक भएको नाताले पनि हैन म प्राविधिक विषयमा नै बोल्न चाहे मैं पनि एकदमै खुसी लाग्यो त्यति बेलाको अवस्था अब मेरो आवाज सुनिरहेको छ त्यति बेलाको अवस्था अलिकता कठिन त कठिनै थियो एकदम जटिलपूर्ण कार्य थियो होइन अब त्यति बेला अब हामी अब कलिउडलाई नेपाली फिल्मलाई केन्द्र केन्द्रको टेक्नोलोजीमा पनि नजाउँ हामी सुदूरपश्चिमकै टेक्नोलोजीको कुरा गर्दाखेरि अब त्यति बेला सुदूरपश्चिममा फर्स्ट चोटि मैले अब भनौँ न हाम्रो यो टिमले मगनी जतिलाई हामी सुरुवात गऱ्यौँ त्यति बेला हामीले यहाँ इस्ट्याब्लिस गऱ्यौँ भनौँ सबै कुराहरू अब यहाँ डाइरेक्टरदेखि लिएर क्यामराम्यान इक्विपमेन्टहरू सबै कुराहरू हामीले यहीँ इस्ट्याब्लिस गरेर हामीले सुरु गरेको हो 60, 61, 62 सालतिर होइन र त्यति बेला के थियो भने चाहिँ रिलको एक त पहिला हाम्रो क्यामराको कुरा गरौँ क्यामरामा पनि के थियो भने रिलको जमाना थियो हामीले डिभीबाट काम गर्थ्यौँ होइन डिभीबाट काम गर्दाखेरि पक्कै पनि अलिकता त गाह्रो त गाह्रो नै थियो किनकि अनि अरू कुरा हामीसँग अब इक्विपमेन्ट त अब हामीलाई त्यति बेला थाहा त थियो यो चिज युज हुन्छ है सुटिङमा ट्रली चाहिन्छ लाइटहरू चाहिन्छ प्लेनहरू चाहिन्छ तर ती कुराहरू हामीले पोसिबल थिएन कि हामीलाई ती कुराहरू समेट्न पोसिबल नै थिएन हामीले ल्याउन तर पनि हामीले अब यहाँ कार्य सुरु गर्थ्यौँ आफैले बनाएर ट्रली लिकहरू बनाएर भए पनि आफैले डेभलप गरेर भए पनि हामीले ती कुराहरूलाई पूर्ति गऱ्यौँ कसरी हुन्छ होइन त्यो चलचित्र मार्फत नै हामी धेरै कुराहरू ल्यायौँ अब रह्यो कुरा अब टेक्नोलोजीको अरू कुरा जस्तै अब तपाईँको आर्टिस्टहरूको विषयमा त्यसलाई आर्टिस्ट एकदम हामीले प्रोफेसनल चाहिन्थ्यो कि एकदमै गाह्रो समय छ किनकि धेरै टेक लियो भने त धेरै गाह्रो आउँछ नि रिल खाने भयो नि त हामीलाई त एकदमै गाह्रो रिलमा खिच्नु पर्ने अहिले जस्तो डिजिटल थिएन होइन एनालगको जमाना थियो त्यति बेला होइन त्यो हिसाबले पनि अनि अरू कुरा के कि अब सामानहरू धेरै ठुलो हुनाले एकदमै म्यान पावर चाहिँ बढी चाहिने कि त्यति बेला एकदम म्यान पावरको आवश्यकता बढी हुने कि त्यहाँनिर अब ट्रली नै तपाईँको 4-5 जना ट्रली बोक्न चाहिने अब त्यस्तै क्रेन ल्याइदियो भने त क्रेनको लागि 10-15 जनै चाहिने त्यसको लागि होइन अब ठुलो ठुलो लाइटिङहरू चाहिने किनकि त्यति बेलाको क्यामरामा लो लाइटमा खिच्ने त्यति ऊ थिएन अहिले त अब डिजिटल आइसकेको हुनाले अहिले त धेरै सहज भएको छ तर त्यति बेला एनालग हुनाले चाहिँ अब क्यामराले लाइट पनि म्याक्सिमम खोज्ने त्यसको लागि पनि म्यान पावर बढी चाहियो होइन त त्यो हिसाबले पनि अलिकता चुनौतीपूर्ण नै थियो तर त्यति बेला त्यो काम गर्दै जाँदा त्यति बेलाको लागि त हामीलाई त्यो नै पर्फेक्ट नै एकदमै रमाइलो लाग्थ्यो अहिलेको दृष्टिले हेर्दाखेरि मात्रै अलिकता त्यो चाहिँ अलिकता ऊ लाग्छ अलिकता पिचु भएको जस्तो लाग्छ तर त्यति बेलाको लागि त धेरै नै थियो अझ यहाँसम्म त मैले त कतिपय ठाउँहरूमा त्यो क्रेन नपाएर हेर्नुहोस् तपाईँको त्यो डल्लबको त्यो अगाडिको हुन्छ नि त्यसमा बसेर समेत मैले तलमाथि गरेर पनि खिचेँ कि त्यस्तो टेक्नोलोजी थियो कि त्यति बेलाको अब हामीले भनौँ नि एकदमै याद आउँछ त्यो कुराहरू तर त्यहाँबाट सुरुवात थियो सुरुवात त गऱ्यौँ हामीले सुरुवात राम्रो भएको छ त्यहाँबाट एकदमै थियो।
कागजी राजू चौधरी से फेन समय जुड़ना चाहत हूँ वहाँ राजू जी हजू सर आप अपने कहे पर एक ये जोन ये क्षेत्र और लागल हो कि पांच एक समय एरवी कले से अपने ये मिहिका लागले से अपने की ऐसे ऐसे अध्ययन करे वेर अपने समय अनुसार चले सीखना वाकले से अपने से सीखे पढ़ना जस्ती मिहिन लागत अब जोन पुरान पहले के समय में जो शुरुआती समय में लोग गीत से शुरू कर ली अब के समय हेरवी कले से अपने आधुनिक जोन चलन चलती के गीत बहु अनुसार के गीत गाई टिक है परल अब के अवस्था कैसे लागत अपने है अपने समय अनुसार चलना सीखल जस्ते लागत मिहिन धन्यवाद बा अनिल सर बहुत बढ़िया क्वेश्चन कर ली अब ऐसे हो सर सद एक के नाश के चली कना अवस्था पे नहीं रहा तो समय अनुसार चले सकना मन के सबसे भारी जीवन के सबसे भारी उपलब्धि पे कथई वही हिसाब से फिर आपका ऐसे हो अब के परिवेश परिवर्तन हुई गिलवा वही परिवर्तन संग संगे हमरे फिर परिवर्तन हुई पर सकारात्मक चीज है लेके परिवर्तन करे पड़ जैसे लगा मीन है वही हिसाब से अब के जस्ते अब मार्केट में डिमांड का बना जस्ते हमारे गीत संगीत में आधुनिकता में डारी कना हिसाब से आधुनिकता में जैन पूरे आधुनिकता हुई है बिगड़ना हिसाब से नहीं होगी तर हाल के परिस्थिति है ढेर के सुहाउंदो ओकर वो अनुसार ढाले पड़ना हम सकून है जरूरी बा वही हिसाब से मैं फिर चल रहा सर का खरे के पहले के जमाना अब के जमाना बहुत फर्क बा वही फर्क में मैं जस्ते अपनी के 20 वर्ष पहले चीज है मैं अब सेम यही ठीक बा कना मोर उफे गलत नहीं रही तर एक ठो दस्तावेजीकरण एक ठो पुरान चीज हो पौराणिक चीज हो जगाई पलट अलग ठाव बा तर ये नहीं हो कि 20 वर्ष जोन पहले मई चीज ये करनु ये चीज ठीक बा अब ये नहीं कर लें ये गलत हो करना चाहिए एकदम बहुत नई मजा चीज हुई और हिसाब से वही सोच के मैं फिर का हर की जमाना अनुसार पुरान चीज से फिर बताए पड़ा पुरान चीज मन से हमरे का हो कले से बढ़िया सकारात्मक चीज जोन चीज हमारे समाज में थारू समाज में कुछ साइड सकारात्मक सोच मन के मन पैदा करी करना चीज है लेके आगे बढ़े पड़ करना मोर से स्पष्ट विचार हो सर और अब समय अनुसार ढाले पड़ल समय अनुसार नहीं ढलबीते बरु साइड पाछे परजीवी जैसे लार नहीं होता अब अबे के समय है कैसे के एनालाइज कर ले बटी मतलब कैसे इन बाबे थारु गीत संगीत के अवस्था कैसे इन बाई वर्तमान कैसे इन ऐसे नो सर एम अबे के अवस्था एकदम खास कभी कले से थारु गीत संगीत के भविष्य बहुत उज्जवल बा होई अब जस्ते लॉकडाउन होने से पहले भविष्य में तो मन वर्तमान कैसे अबे अबे यह है वर्तमान नहीं वह यहाँ सुनना वर्तमान कल का हो कले से अब वर्तमान में दोनों पाटो बराबर बा तर कुछ सकारात्मक पाटो आगे बा हजुर के एमे बहुत उपलब्धि बा वही अब के वर्तमान बीतल मन ले इसे अब वर्तमान परिस्थिति में गीत संगीत बहुत आगे बढ़ल बा हमार थारू गीत संगीत कवि कले से आज से लेके जबकि हमार गीत संगीत थारू गीत संगीत एक के जिला अथवा एक के कौन वकील रहे वो बेलामन अब कैसिन बा अब वर्तमान परिवेश में इंटरनेशनल लेवल में तक हमार थारू गीत संगीत के मांग डिमांड ओकर चर्चा परिचर्चा बा कले से हमार एकदम बहुत गौरव की बात हो बहुत खुशी की बात हुई हमारी गीत संगीत में कलाकारिता क्षेत्र के हिसाब से हेरले से नहीं मजा बात कहे बेर कैसे हो कले से सर एकदम ऐसी नकारात्मक नहीं मजा बात नहीं हो कि कोनो कोनो में थोड़े से आपत्ति जनाई पड़ना अवस्था आई अब वो जे बनाए था जे क्रिएशन करता था वो अपन संतान थे कभी कोई खोट नहीं देखी हो कि नहीं अपन संतान है कोई फिर जहाँ जस्ते खोट नहीं नहीं देखे देखते हैं वो अलग बात हो उनके ठाव में तर कोनो कोनो चीज ऐसी हट की जस्ते अब ओकर कोई चीज में नामकरण करके तर वो नामकरण के भीतर का बा हेर भी कले से अर्थ नहीं लगना मेरे के नामकरण जैसे थारू गीत बा थारू गीत कहती कहीं तर ओकर भीतर जाके हेरी पूरा भोजपुरी गीत बा कले से वो चीज है थोड़े से विकृति कह जाए जस्ते अब की तो नामकरण सही स्पष्ट करा पड़ गा भोजपुरी गीत हो कले से गाई सीख जाए कलाकार हो चाहे जोन कलाकार फिर गाई भोजपुरी गीत गाई से की कलाकार हो एक मान लो फॉर एग्जाम्पल हमार वीर सर भोजपुरी फिर कहते अभिनय करे से की नेपाली थारू गीत कलाकार के कोनो सीमा जात धर्म नहीं रह तर मोर कहे का हो कले सर अब वो में विकृति का है कले से जस्ते भोजपुरी गीत हो कले से वही नामकरण भोजपुरी करी थारू हो कले से थारू करी मैथिली हो कले से मैथिली करी या यदि मिक्स बा कले से सकू मिक्स हो कह के ये चीज कहीं स्पष्ट खुला दी वो त्रुटि का बा कले से कोनो कोनो गीत में और जहन के करल चीज है फिर वही करा के ओकर नामकरण वो पुराण संस्था के नाव वहाँ नहीं लिख दे नहीं देखा देना
एक ठो उफे विकृति नै हो हजुर के हमार थारू कलाकारिता जगत में नहीं कि सकु जगत में बता रहा स्पष्ट रूप में थारू कलाकारिता में वो है कहे कहा हो गए भोजपुरी हो कले से भोजपुरी कही मैथिली हो कले से मैथिली कही तर चाहे जस्ते अब थारू हो कना तर थारू को भोज पूरा भोजपुरी रही थारू गीत के का शब्द के थारू में बोला देवी कले से थोड़ से नहीं हुई कौन क्षेत्र के हो अथवा जस्ते भोजपुरी हस थारू भाषा पूर्वक भोजपुरी हुई तर पूर्वेली थारू कहके फिर लिखना एक सही रही कना सीन लागत पश्चिम के थारू और पश्चिमी थारू गीत कह पड़ल पूर्व के होकर पूर्व करे का भाषा में विवादित ना आए कि जस्ते अभी भोजपुरी बात बहुत से कमेंट आए जो भोजपुरी गीत है थारू गीत कहे कल ऐसी ना आए मोर कहीं बात रहे ठीक गीत गईना नहीं गईना पाबंदी केकरो फटे नहीं हो चाहे कौन कलाकार चाहे जो गीत गाई से की चाहे जस्ते मान ले एक ठो बहुत से एक बारे में कंट्रोवर्सी फे मचल है कहीं ना भोजपुरी कॉपी कैल गीत चाहे जो गाय फे कॉपी जस्ते मई अपने के मान ली रोशन रत गए के गीत मई फे कवर बना के मई फे गाई से यदि अथॉरिटी में रोशन रत गए से लेम कहके तर रोशन रत गए गायल हो गीत कहके मई कॉपी करनू ओकर कवर वर्सन हो कहके मई जनाना एकदम जरूरी है मो हिसाब से हिसाब से जी ठीक है राजीव फिर अपने से जुड़ा बेगर पास में फिर से वीर जी से जुड़ना चाहूं वीर जी हजुर सर हजुर हजुर अब राजजी ते बताइने हेरी कागज एकदमै बढ़िया बाबा गीत संगीत के अवस्था कुछ छोर बहुत टूटी टूट रहा रहा अब वह गीत संगीत में नचुन के अभिनय करू इनके वर्तमान अवस्था कैसी में कैसी देख ले बती वह गीत संगीत में बनना म्यूजिक वीडियो अभी देख ले बती इस समय में अब जो संग स्टार्टिंग फेस कना का दोनों डिविक्स राइडर के रात नहीं हजुर हजुर लिरिक्स राइटर से काम आइ फर्स्ट ऑफ ऑल लिरिक्स सिंगर था और गिटार गीत से गाड़े थे ना तो उ अनुसार के हमरा विजुलाइज करना चाहिए हमार चाहिए कर्तव्य हो गए जोन टगर के वीडियो ऑडियो बनल रहा उ अनुसार के हमें भेज विजुलाइज करना चाहिए हमार काम हो गए वास्तव में वीडियो है कठे ना कैसे गीत बना ढेर कैसे अब जस्ट जोन टगर के गीत गई रहे उ अनुसार के म्यूजिक वीडियो बना नहीं तो फर्स्ट ऑफ ऑल से दोस्त हमार है म्यूजिक वीडियो है जज का कलाकार होकर खत्म बनेला का कैसे कल नहीं कैसे बना दे गाना एक जो आरोप आए म्यूजिक वीडियो बन गया कलाकार होकर तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्टार्टिंग फेस करना था हमारे लिरिक्स राइटर है था लिरिक्स राइटर थे हमारे वही अनुसार के म्यूजिक वीडियो बना करना था वो हो गए हजुर अब जैसे वीर जी कैसे एनालाइज कर ले वर्तमान अवस्था कैसी बाबा अब के ये जो अपने के म्यूजिक वीडियो के अवस्था कैसी बा चलचित्र में अभिनय करू या अभिनय के कैसी अवस्था बा अब वर्तमान हेरले से तो लगभग बहुत आगे चल गेल जस्ट थारू इंडस्ट्री का कारण बहुत आगे गेल वही जो प्राविधिक संग्रह उगरे बाट टेक्निकल पार्ट्स उगरे बाट वहां ओकरे एकदम आगे बढ़ गया एकदम बढ़िया काम करते रहे जो कैमरामैन हुए डायरेक्टर हुए जो और संग एडिटर संगे हुए एकदम बढ़िया बढ़िया हुई गल बटें कलाकार संगे फिर बढ़िया बटें तर बीच बीच में कोई कोई एकदम थारू थारू एक इंडस्ट्री है बदनाम करना टाइप में बहुत बहुत जे एक होते हैं एक पैसा का भार में एक म्यूजिक वीडियो बनाने काम करते हैं बंदा नहीं बढ़े पार्टो का नाते में म्यूजिक वीडियो में आप देख सकते हैं जबरदस्ती कलाकार बनना एक्काशी आगे कलाकार बनना बिना सीख ले कलाकार बनना जो नहीं प्रविधि बावे ये प्रविधि एकदम ही नहीं बढ़े लागत सो मैं तरफ एक कलाकार नया नया कलाकार हो गए आए जाए वहां पर कार्य कोशिश करना चाहते हैं यदि अपने हो गए कलाकारिता क्षेत्र में आगे बढ़ना बड़ा कले से प्लीज एक चो ट्रेनिंग ली बहुत ठाव ठाव में ट्रेनिंग क्लास बाबे कलाकारिता क्लास बाबे डांस सीखी एक्टिंग सीखी तब अपने हो गए म्यूजिक वीडियो अथवा फिल्म इंडस्ट्री में आए कलाकार किल नहीं एज अ प्राविधिक संग्रह हो गए थे जस्ते अब सतीश सर हो गए बिहारी दहेज जी हो गए वहाँ के एकदम बढ़िया कैमरा मैन हुई एडिटर हुई नहीं सो वहाँ से कुछ ना कुछ सीखी तब एडिटिंग पार्ट में आए अथवा कैमरा खींचे
अब का सिस्टम आ गेलो सर नहीं जे कैमरा लेहती गेलो ऊ कैमरा मैन बन जाए वो हेरी कैमरा के बारे में था नहीं पाइल मन थे हजर 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 तो इस सवाल में क्या कहना चाहते हैं इस सेक्टर में अभी कल से एक तो हमारे इंडस्ट्री है बदनाम फील हुई इनसे आगे नहीं बढ़े से ये कहना चाहेंगे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ ठीक है वीर जी फिर आपने से जुड़ा वेब बैक लगभग छुट्टी एक पास से मैं जुड़ना चाहम निर्देशक चंद्र चौधरी चाहन से ओके सर हेलो चंद्र जी हजूर निर्देशक के हिसाब से जम्मा प्राविधिक वही नहीं कलाकार वही नहीं जम्मा जनन चलुई एक तो घर के केवल मुखिया मैंने निर्देशक अपने पर ली अपने सकुन से चलाए मान करिए ऐसे करो वैसे करो जम्मा जनन सिखिया अपने पर ली कैसी बाव अब्बे के कंडीशन हर भी कले से शुरू शुरू चलचित्र थारू चलचित्र ढेर जैसी नायल ढेर नाव फे कमाए अब्बे के अवस्था में थारू चलचित्र एकदम न्यून हुई अवस्था में बाबा और उस के म्यूजिक वीडियो प्रचुर ढेर मात्रा में निर्माण हुई था और अब म्यूजिक वीडियो चलचित्र जया हुई से थे वही क्या कठे परिचालन करना हमें कि जनशक्ति हुई हमने क्या करना कैसे करना जम्मा निर्देशक होंगे काम रहा तो हमारे निर्देश निर्देशन के पार्ट से निर्देश निर्देशक के हिसाब से कैसी नवस्त देख ले बटी अब म्यूजिक म्यूजिक ठारू कलाकार के जगत के सबसे पहले तो वर्तमान अवस्था से भन्दा पनि जो पास्ट के अवस्था में थोड़ा चुन बढ़ना चाहता मैं थारू कलाकार के जगत के क्षेत्र है पहले तो रहे म्यूजिक वीडियो ते लगभग भखर भखर यानी फिर बहुत फर्को मार सक ले बा पर इससे पहले जो न हमार एक तो हमार थारू इंडस्ट्री खास कर भी कले से एक तो फिल्म से शुरुआत हुई हो कहीं हो गया नहीं फिल्म से शुरुआत हुई लो तो उ जोन टाइम में जे जे मतलब कि प्रोड्यूसर रहे यानी कि जोन ये हमार थारू कलाकारिता जगत है निर्माण करिया जैसे कि सुनसरी के परशुराम जी है गेलै जोन करम फिल्म के पहलो फिल्म के कहीं जोन मान बैठ हमार और फिल्म के परशुराम जी वस्ते के कलाकारिता ने हमारी यहाँ के परशुराम चौधरी जी है वस्ते के प्रेम जी हमारे थारू जगत के महानागे के रूप में हमारे मंत्री के संगत जी हो उसके के लक्ष्मण किशोर जी होते उसके के टेक्नीशियन में उम्र से हमारे राजू धो सर हो गए उसके के हमारे रंजीत राणा मगर सर इन्हें हमारे थारू इंडस्ट्री है मतलब की शुरुआत करके गिरे उसके के हमारे लालवीर जी हो गए तो उन्हें पक्के फिर शुरुआत असिन कर देने की वो शुरुआत इतना दमदार शुरुआत हुई की कोहिरा फिल्म हुई उसके के बहुत सारी फिल्म हुई इन फिल्म के इन्वेस्ट से कही हमारी दूसरी टाइगीज में लगभग चार चार पांच पांच महीना कही नहीं लेहल सैलरी कही ई पैसा से उठा के कही वहाँ के वर्कर उपरे कही पैंट का मैं अपन आंखी से देखल हुई तो उसी अवस्था में कही एकदम असन बुलंद शुरुआत रहे उस शुरुआत खै कसी घटल कसी का करल हमार कमजोरी हो कि या टेक्नीशियन की कमी कमजोरी हो कि या दर्शक की कमी कमजोरी के शुरुआती असिन हुई 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 एक चोटे लॉफ से घट गया सिर तो वर्तमान अवस्था हमारे थारू फिल्म की अवस्था का बिगड़ने से पहले का अवस्था से एकदम ही सुनने वा कहीं एकदम सुनने वा मैं म्यूजिक वीडियो के बारे में बैठू मैं हजर हजर तो ये अवस्था वर्तमान अवस्था में गाढ़ हुआ अब का कारण से असिन अवस्था आयल वो तो अब शायद सबके पट हुई छोट छोट कैमरा लेके कहीं थारू फिल्म खींच लग लाई सब जगह कहीं बनाए लग लाई और वस्ते के कहीं हाई टेक्नोलॉजी के जमाना आ गई वस्ते के दर्शक हो गए बहुत एडवांस हो गए का उन्हें कहीं हॉलीवुड की फिल्म बॉलीवुड की फिल्म हेरे लग लाई थे उनके फिल्म हेरना एक दृष्टिकोण और हमारे थारू में हेरना दृष्टिकोण कहीं कंपेयर कंपेरेटिव के रूप में कहीं कंपेयर करे और कहीं उन्हें हमारे थारू फिल्म है कमजोर का हर सकते कमजोर नहीं रहे लेकिन कमजोर पाने नहीं क्या करें कि हमारे साथ इन्वेस्ट नहीं रहे हमारे हाई टेक्नोलॉजी हाई कैमरा हाई कहीं कलाकार उपकरण है कहीं अपग्रेड करने से तो वो कमजोरी कारण से कहीं हमार जो मूवी के जो सेक्टर है कहीं वो कमजोर हुई और है के वो
कमजोर अवस्था में कही हमार अब्बा के म्यूजिक वीडियो जोन कही पैफेक्ट कही हमार मार्केट ले लेबा कही पक्के फिर म्यूजिक वीडियो के हेल्प से फिर उस हमार थारू जोन फिल्म बा वो पक्के फिर सर रिकैप मतलब कि फिर उस आए कि यदि हमारे सबको जाने मतलब कि टेक्नीशियन होकर म्यूजिक वीडियो में लगा टेक्नीशियन एज आर्टिस्ट होकर हमारे फिल्म में ट्रांसफर रखा पहले से सब कुछ जन के समिश्रण से लेके हमारे पक्के फैन वो अवस्था है नाने से का पना इसी लाख ही है अब एक अवस्था एक एक के लाइन में अब एक अवस्था कैसी बताई ले बती थारू लगा इतना जगत के मजा नहीं मजा कैसी बात थारू मजा थारू कलाकारी तो जगत पक्के फिर अवस्था अब एकदम ही बढ़िया बा कही अब पहले सिंगर रहे कही हमारे सिंगर कही बाहर के मन से गवाई पड़े बाहर से म्यूजिशियन बोला पड़े कही अब सब कुछ चीज डायरेक्टर से लेकर होल टेक्नीशियन होल यूनिट कही हमार थारू इंडस्ट्री में बटे का तो अवस्था में ये अवस्था पैना कल से गर्व के बात हो तो तब हमारी ये अवस्था एकदम वर्तमान अवस्था करना एकदम भक्खर फुलियाल अवस्था भाग जैसे कि गुलाब के फूल एकदम भक्खर कलकलो फूल रहते हैं लाल लाल वस्ते सब भरी पूर्ण बाबाई और यही है जो गई ना यही है निरंतरता देती रहना फुलती रहना और यही से और गाढ़ा बनाना करना हमारे हाथ में बा रही लेकिन बसंत जी मैं फिर से अपने से जोड़ा मेकर पास मैं हमार वीर चौधरी केवल फिर नहीं गिनी चल गई अब मैं सतीश सिन्हा से बातचीत करना चाहता हूँ वहाँ सतीश जी अब के अब टेक्निकल हिसाब से परविधि के हिसाब से अब के अवस्था कैसी बा गएको गएको समय र अहिलेको समयलाई तुलना गर्दा त पक्कै पनि धेरै नै फरक छ टेक्नोलोजीमा होइन किनकि त्यति बेला एनालगको जमाना थियो अहिले डिजिटल आइसक्यो होइन अब हामीहरू त्यति बेला हामी डिभी क्यामेराले खिच्थ्यौँ अहिले हामी डिएसएलआरले खिच्छौँ होइन डिजिटल सिङ्गल लेन्स रिफ्लेक्सन भन्ने त्यसको उनी छ त्यो त्यो साह्रै खिच्छौँ किनकि त्यति बेला चाहिँ अब के थियो भने प्राविधिक कुराहरूमा पनि तपाईँको अघि पनि मैले भने पुराना कुराहरूमा ट्रलीको अवस्था थिएन गेन्दको अवस्था थिएन तर अहिलेको अवस्थामा के छ भनेपछि त्यही चिजलाई परिमार्जित गरिदिएर एकदमै एकदमै पोर्टेबल चिजहरू बनाइदिएको छ होइन जस्तै अब क्रेनको सट्टामा तपाईँको जनिचिप ल्याइदिएको छ टोटल हाइड्रोलिक दुईजनाले पनि काम हुने मेन पावर त्यसै कम भयो होइन त त्यसले गर्दा तपाईँको अब ट्रलीको सट्टामा त्यत्रो चार पाँचजना ट्रलीमा मान्छेहरू लाग्ने थिए पहिला गयो तर अहिले त्यो सिस्टम छैन अहिले एउटा सानो एउटा तपाईँको गिम्बलले नै काम गरिदिन्छ पुरै ट्रलीको काम गरिदिन्छ होइन त अनि लाइटका कुराहरूमा विषयमा कुरा गर्दाखेरि तपाईँ के हुन्छ कि अहिलेको क्यामेराहरूमा अहिलेका जो डिजिटल डिएसएलआर क्यामेराहरूमा यति तपाईँको डेभलप गरिदिएछ कि सेन्सर यस्तो टाइपको सेन्सर त्यसमा युज गरिदिएछ कि तपाईँको एकदम लो लाइटमा पनि खिच्ने के एकदम नेचुरली खिचिदिन्छ उसले होइन भनेपछि त्यहाँनिर पनि मेन पावर कम भयो नि त होइन अर्को विषयको कुराहरू गर्दा प्रड्युसरलाई पनि सजिलो पनि भयो राहत भयो अलिक कम बजेटमा पनि राम्रो काम हुने भयो होइन र रह्यो कुरा अब तपाईँको एडिटिङ भिएफएक्सका कुराहरू पनि रहे होइन अब त्यो टाइममा अब एडिटिङ भिएफएक्स गर्न साह्रै गाह्रो अवस्था त्यो टाइममा थिएन भनौँ नि एकदमै कमै मात्रामा भए पनि विकसित सहरहरूमा थियो होला होइन तर हाम्रो यहाँ चाहिँ एकदमै थिएन बहुतै कम थियो थारू इन्डस्ट्रीमा तर अहिलेको समयमा के छ भने चाहिँ तपाईँको डिजिटल भएको कारणले गर्दा एकदमै कुनै पनि कुरालाई पर्फेक्टली के एकदमै होइन एकदमै एडिटिङबाट नै हामीले पर्फेक्टली बनाउन सक्छौँ कुनै बिग्रेका कुराहरूलाई एडिटिङबाट सुधार्न सक्यो होइन तपाईँको भिएफएक्सहरू गर्न सक्यो एनिमेसनका कुराहरू छ होइन भनेपछि त्यो जमाना र अहिलेको जमानामा साँच्चै नै धेरै डिफ्रेन्स छ काम गर्नमा पनि एकदम सहज छ अहिलेको यो उसमा चाहिँ अहिलेको परिधिमा किनकि कलाकारहरूमा पनि यो क्वालिटीहरूमा पनि हामीले धेरै धेरै भन्दा पनि धेरै अब त्यति बेला हामी एनालगमा खिच्दाखेरि एचडी एचडी पनि हामीले पाउँथेनौँ हामीले भनौँ नि होइन तर अहिले त हामीले एचडी भन्दा पनि हामी त फुल 4K नै पाउँछौँ कि क्वालिटीमा पनि यतिको फरक छ कि यति डिफ्रेन्ट छ कि त्यो टाइम टु टाइम जस्तै सतीश जी अब प्रविधि एडभान्स हुई गेलो अब यही एडभान्स प्रविधि अनुसार यही क्षेत्र के जनशक्ति में चल पाई थी कि नहीं जन एडप्ट करे से गटे कि नहीं चले से गटे कि नहीं जस्ते कलाकार हुई नहीं उसके हमार निर्देशक होने हुई नहीं गायक होने हुई नहीं प्रविधि संग नहीं से गटे कि नहीं कट उपयोग कर पाई ले बताए एकदमै 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 राम्रो क्वेशन छ यो यस्तो सर प्रविधिसँग जुझ्नको लागि प्रविधिसँग हिँड्नको लागि हामी कलाकार प्राविधिक होइन जोसुकै पनि होस् नि तर उनीहरू पनि अपडेट हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ
अपडेट बिनाको काम छैन हैन र कतिपय ठाउँमा म हेरेको हुन्छु नयाँ प्रविधि भए पनि नयाँ प्रविधि युज गरिरहे पनि तर क्वालिटी त्यही एनालोगकै क्वालिटी आउँछ एनालोगकै कुराहरू अझ पनि युज भइरहेछ त्यो किन त त्यो खास कारण के भनेपछि त्यो अपडेट नभएर टेक्नोलोजी सँगसँगै हामीहरू पनि अपडेट हुन सक्नु पर्यो नि त होइन टेक्नोलोजी सँगसँगै हामी पनि अपडेट भएपछि त अनि पो त्यो टेक्नोलोजीलाई हामीले युज गर्न जान्नु पर्यो नि त अनि पो हामीले त्यसलाई युटिलाइज गर्न सक्छौँ त्यसबाट लिने जो हामीले कुराहरू हो त्यो टेक्नोलोजीबाट हामी लिन सक्छौँ नि त त्यही भएर अपडेट हुनु जरुरी छ मलाई लाग्छ निर्देशक भन्नुभयो तपाईँले सिङ्गरहरू भन्नुभयो अब हामी यहाँसम्म कि हामी प्राविधिकहरू पनि भए त्यो टेक्नोलोजीसँग हामी पनि जुझ्न सक्नु पर्यो टेक्नोलोजीलाई हामीले बुझ्न सक्नु पर्यो टेक्नोलोजीलाई हामीले कसरी हुन्छ यो टेक्नोलोजीले यस्तो काम गर्दछ यसमा यो फङ्सन छ होइन र यो टेक्नोलोजीले यसरी काम गरेपछि हामी यसरी काम गर्न सक्छौँ यो कुराहरूलाई त्यसलाई अपडेट समग्र रूपमा अपडेट भनौँ नि हामीले होइन अपडेट हुन सक्नु पर्यो अपडेट भएपछि पक्कै पनि सजिलो छ यस कुरालाई अगाडि बढाउन त्यस्तै कलाकारको विषयमा अब पहिलाको विषयमा के हुन्थ्यो कलाकारहरूमा अहिले त अब के छ भनेपछि तपाईँको अब कुनै कुराहरू रङ गरिदिए पनि कलाकारले कुनै कुराहरू बिगारे पनि डिजिटलको जमाना छ डिजिट गऱ्यो काम गऱ्यो होइन सक्यो नि त फ्रेममा हिँड्न सक्नु पर्यो फ्रेम रेटहरू बुझेको हुन्छ अहिले कलाकारहरूले तर तिनीहरूले पनि अपडेट हुनु जरुरी चाहिँ छ म त यही भन्छु अपडेट चाहिँ हुनुपर्छ एकदमै अपडेट नभएर त नयाँ टेक्नोलोजीको कुनै अर्थै भएन ठीक ठीक जी फेन से राजजी से बात करना चाहत हूँ राजजी हजुर सर अब वर्तमान के बात हुई हमारा भविष्य अब के अवस्था अनुसार अब भविष्य कैसे आगामी दिन में कैसे देख ले बती भविष्य अब जस्तै वर्तमानै मात्रा प्रोफेशनल हुइगिला समाज थारु इंडस्ट्री कलेज जस्तै अब अन्तर्राष्ट्रिय लेभल तक पुगिला हमार थारु कलाकार थे भविष्य फे एक बहुत उज्जवल हजुर के कैसी के तर चाहिँ भविष्य इस माने में उज्जवल हुई साकार हुई कले से अब जो नया इना पीढ़ी बाटे जे अगे फे अबे फे कले हमार वीर सर फे कले नहीं की जस्ते पैसा के भर में काठे एक पैसा लगा लू थोड़े एक मैं फिर खेल लू मैं फिर एक रहर पूरा कर ली काठे भूई चाहना हुई जस्ते कले उ हिसाब से कर ले से हमार थारू फिल्म का थारू गीत संगीत के मुँह है थोड़े ढुलमुल हुई अब के अवस्था में का बगल से हर एक चीज के टेक्नोलॉजी के बात है जस्ते के बहुत प्रविधि आ गई अपनी के जस्ते मान ली कोई क्लास टीचर का संगीत क्लास लेने से कले से फिर अब के डिजिटल जमाना बा अपनी के संगीत क्लास ले गला घर बैठले फिर अपन लगे इंटरनेट बा कले से कुछ ना कुछ ज्ञान ले सके भी उनमें से ज्ञान ली गीत संगीत कलक का हो सुर ताल लय कलक का हो बूझ के ही हमार आईना पीढ़ी हमार भैया बाबू करे अथवा सिंगर कलाकार उकरे कले से और उज्जवल भविष्य बा अब वह हसुआ टाल में जस्ते आज आज शौक के भरे में मैं एक गीत गा ली काल से जहा जा हुई हुई कना हिसाब से यही कले से भविष्य अस्ते हो तर वस्ते ऐना में लगभग सब जाने सचेत हुई जमाना बा जहाँ सम भविष्य उज्जवल देख मुई अब सब जाने बुझते की बिना सीख ले बिना नहीं कुछ कर ले सीख के कोनो चीज में हाथ डरबो कले से उचित बढ़िया नहीं रटकना चाहिए लगभग लगभग सब जाने पटा हुई अवस्था बा तब में से कुछ मनाई बात है कि अपन रहर गिल पूरा करे लग जबकि उन्हें गीत कलक कहो संगीत कलक कहो पढ़ने रहती तो उनमें डर ले से थोड़े से चाहिए इंडस्ट्री है इंडस्ट्री की नहीं कि वो स्वयं अपनी है फिर तो घाटा ला बात हो काल के दिन में वहां के भविष्य का नहीं करना नहीं हो अलग बात बहु तो हमारे लगभग भविष्य मजा बा सर उज्ज्वल भविष्य बा कहा करिए इंटरनेशनल लेवल तक पुगिल हमारी थारू कलाकारिता क्षेत्र के जगह वो हिसाब से खुशी बा भविष्य में और बढ़िया मार्केट देख मैं ले ठीक बा राजीव फैन से अपने से जुड़ना कोशिश करा हमरे एक बार से वीर जी के हमार वीडियो फोटो नहीं दिखाई तो अब बेटे आफे हुई कि नहीं जस्ट लगा था मैं हीन अब मैं फैन से चंद्र जी से बात करना चाहता हूँ अब चंद्र जी अनम्यूट अब बात करी भविष्य एक ठो निर्देशक हुई भविष्य कैसे रही निर्देशक हुई से परिचालन हुई जनशक्ति जटर फे बटे कलाकार हुई नहीं गीत संगीत फिल कैसे रही आई ना भविष्य कैसे निकले बटे समग्र में ठार कलाकार के जगत के अब वैसे के मैं अब निर्देशक कली ओकर तरफ से बहुत हजुरले बहुत धन्यवाद दिन चाहता हूँ अब मैं निर्देशक बनम या डायरेक्शन करम फिल्म में या वीडियो डायरेक्शन करम का वैसे सोच तो नहीं रहे लेकिन समय परिस्थिति ऐसी नायल की वस्ते हैं समय परिस्थिति अनुसार रही तो एज अ निर्देशक एज अ डायरेक्शन के रूप में रही जो पब्लिक होकर के सामने एनु पब्लिक पे मजा नहीं मजा जो मन प्राण लेकर में हमें खुशी बटू कही
भविष्य वर्तमान जोन फ्यूचर जोन थल कलाकारिता जट के जोन फ्यूचर बा जोन भविष्य बा पक्कै फेउ सुनोलो नै बाहिरी मजा नै बावे तर ई भविष्य है एक ठो बढ़िया बनाए के लग कही वर्तमान होना वर्तमान बढ़िया होना जरूरी बा कही तो भविष्य है मजा बनाए के लग कही जत्र फे हमरे ई क्षेत्र में लागल बटी कही एज अ टेक्नीशियन कैमरा मैन एडिटर वस्ते के आर्टिस्ट पर हो गए वस्ते के सिंगर हो गए वस्ते लिरिक्स राइटर हो गए वस्ते के ई टेक्नीशियन थारू कलाकार टेक्नीशियन नहीं की गई थारू कलाकृति जगत के थारू कलाकृति क्षेत्र है प्रोत्साहन कर लग जो संघ संस्था बा जैसे कि थारू कलाकार मंच बा ई फे यदि ई वर्तमान अवस्था है बढ़िया से हैंडलिंग कर दी बढ़िया से एक तो सब कुछ जने मिला के ले जा रही जैसे कि दिनय बद्दी जी हमरे है मन ले की वहां सब कुछ जने बढ़िया से मिला के ले जी कले से पक्के फे भविष्य बढ़िया बा और हमार टेक्नीशियन के कलाकार के और हमार क्षेत्र के मने के किल नहीं हो के हमारी भविष्य नहीं मजरी थारू कलाकार के थारू कलाकार जगत के एक लग हमार जैसे कि अब गणतंत्र आ गिल गणतंत्र में फिर कही हजूर के संघीयता आ गिल संघीयता में प्रदेश सरकार बा कही स्थानीय सरकार बा वैसे कि केंद्र सरकार बा वही सबको तीनों तरह के सरकार कही हमारी थारू कलाकारिता क्षेत्र है समेट के एकर विषय में चांसो राख के ई है अपन तरफ से फुल्ली सरकार के तरफ से सहयोग रही कोनो आर्थिक रूप में नहीं हिले से फे कोनो जस्ते की मानो हमरे वीडियो बनाई थी या फिल्म बनाई थी वीडियो नेट में डाले थी हुई जट कहीं 5 मिनट के काम हो गई तरह ऐसा हमरे मूवी बनाई थी वाले से मूवी है प्रदर्शन करना एक हमार हॉल नहीं मिला समस्या सबसे भारी समस्या एक बात कही अस्त की परिस्थिति वर्तमान जो अवस्था परिस्थिति समस्या रही कले से भविष्य में जाके फिल्में नहीं बनी का खाली बस हेरना वरना बस अपने फिल्म बने ना अपन मोबाइल में हेरना अपन टीवी में हेरना और ट्रेकिल रही गई हमरे बस जो पब्लिक हुई थन कहीं हॉल में हॉल सामने पुगा सकना अवस्था बाबा ते एक लग कही यदि सरकार फे कही भाषा भाषिक चलचित्र है कही प्रोत्साहन दी कले से जैसे कि मानो महीना में एक चो या हफ्ता में एक चो दसिक शेड्यूल मिला के यदि प्रोत्साहन कर दी कले से पक्के फे हमार थारू कलाकारिता जगत पक्के फे एकदम ही सहारनीय एकदम बढ़िया और सबको जन है एक ठो आर्थिक हिसाब से फे मजबूत पारी और सबको जन एक ठो नेपाल में किन्ने एक वर्ल्ड वाइज मतलब की अटैक करे से की का नाम है जैसे लागत भविष्य कैसे एक प्रविधि के पाटो से हेर भी कले से हमरे हॉलीवुड सम हुईल बॉलीवुड हुईल साउथ इंडियन के जोन प्रविधि मैंने प्रयोग करते उस प्रविधि प्रयोग करना लायक के बनब की नहीं काल के दिन में कैसन बा भविष्य प्रविधि के हिसाब से एकदम राम्रो प्रविधि को भविष्य को कुरा गर्दा खेरि अहिले त हामी यो ठाउँ सम्म पुगिसकेका छौ लगभग लगभग हैन एकदम डिजिटल फुल्ली डिजिटल मा नपुगे पनि हामी छल सञ्चित जगत तर डिजिटल लाई चाहिँ छुइसकेका छौ अहिले को प्रविधि ले हैन हामी चाहिँ र अब रह्यो भविष्य का कुराहरुमा भविष्यमा त अब पक्कै पनि टेक्नोलोजी हाई हुन्छ नै पक्कै पनि हुने हो एकदमै बढ्ने जाने हो र त्यही कुरालाई हामीले पनि के कुरालाई त्यसका के कुरालाई हामीले पनि फलो गर्दै नै जाने हो टेक्नोलोजीको विषयमा कुरा गर्दाखेरि अब भोलिको दिनमा तपाईँको भविष्य हुन त अहिले पनि हामी एनिमेसन भिएफएक्स म्याक्सिमम गर्छौँ अब भोलिको दिनमा कस्तो अवस्था आउँछ भन्ने विषयमा तपाईँको जस्तै मानुस अब हाम्रो खप्तर छ जान कति गाह्रो छ नि त सक्दैनौँ कोस्टली छ त्यो ठाउँमा सुटिङ गर्न तर भोलिको दिनमा अब के हुन्छ भने एउटा बन्द कोठामा हामी सुटिङ गर्न सक्छौँ कि भोलिको भविष्यको कुरा गर्दा हामी थारू चलचित्र जगतको लागि है बाहिर त छ हाम्रो थारू चलचित्र जगत मात्र कुरा गर्दैछु म भोलिको दिनमा हामी एउटा बन्द कोठामा हामी सुटिङ गर्न सक्छौँ मजाले सुटिङ गरेर हामी बक्का हामी खप्तरमा एनिमेसन भिएफएक्स मार्फतबाट एडिटिङ मार्फतबाट हामी खप्तरकै लोकेसन पाउँछौँ क्या हामीले म्युजिक भिडियोमा
भनेपछि त्यहाँसम्मको हाम्रो यो अहिले नै भित्रिसक्यो भने भविष्यमा त झनै कति नै माथि जान्छ जान्छ। र अरू कुरा रह्यो क्यामराको टेक्नोलोजीको कुराहरू, अब क्यामरा हामी 4Kमा काम गर्न थालिसक्यौँ होइन, अब त 6K 8Kसम्म पनि न भित्रिन भेट छैन, भित्रिन्छ त्यो पनि भविष्यमा। भविष्य धेरै नै राम्रो छ, तर एउटा कुरा के छ भनेपछि अब हामीले टेक्नोलोजी भित्रियो, टेक्नोलोजीसँगै हामी टेक्नोलोजी नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी आयो भन्दैमा त्यो टेक्नोलोजीले मात्रै त राम्रो हुने त होइन होइन, त्यसको लागि त हामी प्राविधिकहरू पनि त्यो टेक्नोलोजी भिज्न सक्नु पर्यो नि त, अपडेट हुनु पर्यो नि त होइन। सामान किन्न गाह्रो छैन मेरो सोचमा, सामान एउटा ड्रोन किन्न गाह्रो छैन, एउटा डिजिटल डिएसएलआर क्यामेरा किन्न गाह्रो छैन होइन, त्यो कुराहरू एउटा राम्रो एडिटिङको लागि एउटा 3-4 लाखको कम्प्युटर किन्न गाह्रो छैन होइन त, तर त्यो चिजले अपडेट गर्न गाह्रो छ नि त, त्यो अपडेट कसरी गर्ने त, त्यो त त्यसको लागि त केही आफूले नलेज हुनु पर्यो नि त, त्यो सम्बन्धीमा टेक्नोलोजी सम्बन्धी नलेज हुनु पर्यो नि त। त्यही भएर म के भन्न चाहन्छु भनेपछि हाम्रो यताका प्राविधिकहरू धेरै यस्ता पनि छन्, अब नलेज ड्रोन ल्यायो, ड्रोन उडाइदियो, सक्यो एउटा म्युजिक भिडियोमा, कहाँनिर के युज हुन्छ, कुन सटको लागि युज हुने हो, कुन ठाउँमा युज हुने हो त्यो ड्रोनको सट होइन, हामीलाई कसरी ड्रोनको सट लिने हो, त्यो चिजमा अनभिज्ञ छन् क्या एकदमै। त्यसले गर्दा के हुन्छ त त्यसमा क्वालिटी भएको क्वालिटी पनि मर्न जान्छ के, अनि त्यो टेक्नोलोजीको पनि वास्ता नै रहेन, मतलबै रहेन के। त्यही भएर म के भन्न चाहन्छु, तपाईँ क्यामरा किन्नुहुन्छ, अपडेट हुनुहुन्छ, धेरै राम्रो कुरा, तर त्यसलाई स्टडी गर्नुहोस्, त्यसको क्लासहरू लिनुहोस् न होइन, क्यामराको विषयमा लिनुहोस्, एनिमेसन भिएफएक्सका विषयमा लिनुहोस्, एडिटिङका विषयमा लिनुहोस् होइन, त्यसको क्लास लिनुहोस्, क्लास गरेर अध्ययन गर्नुहोस्, अध्ययन गरिसकेपछि त्यसपछि बल्ल तपाईँ टेक्नोलोजीसँग कदम मिलाएर हिँड्न सक्नुहुन्छ, नत्र टेक्नोलोजीसँग हामी कदम मिलाएर हिँड्न सक्दैनौँ। टेक्निकल चिज मात्रै हामीसँग हुन्छ, तर हामी त्यो जो आउटपुट हामीले दिनुपर्ने त्यो चिज हो त्यो हामी अहिलेको न्यू जेनेरेसनलाई हामी दिन सक्दैनौँ, बहुत गाह्रो अवस्था हुन्छ। त्यही भएर एकदमै यो भविष्य राम्रो पनि छ भनौँ, तर त्यससँग जुधेर सिकेर पढेर गएपछि टेक्नोलोजीसँग सजिलो छ, त्यो अवश्य अवश्य पनि त्यो हाम्रो थारूचल जगत धेरै उज्जवल छ, तर यही प्रवृत्ति हो, यस्तै हो भनेपछि भविष्य अझ हामी 10-15 दशक पछाडि जान देर छैन थारू इन्डस्ट्री फेरि अगर यही रहने हो भनेपछि। त्यसको लागि चाहिँ एकदमै अनिवार्य रूपले पढ्न, एसटिडी गर्न, र एसटिडी भएर केही कुरा ज्ञान भएर यो विषयलाई लिएर गयो भने चाहिँ प्राविधिकले हामीले सपोर्ट गर्छ, र हामीले पनि प्राविधिकलाई सपोर्ट, त्यसपछि हामी प्राविधिकको पनि सपोर्ट पाउने हो, त्यसपछि हामी टेक्नोलोजी त्यतिकै पनि हाइलाइट भइहाल्छ क्या, त्यो हुन्छ सर। ले ठिक भयो सरजी, हाम्रो कार्यक्रमको लागि अन्त्यर्फबाटी काट्नु छ विजय टी, एकदमै म एकदमै सम्पूर्ण मेरा दर्शक श्रोताहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भनेपछि, मेरो प्राविधिकहरू मित्रहरूलाई विशेष गरेर म के भन्न चाहन्छु भनेपछि, एकदमै हेर्नुहोस् अहिलेको यो जमाना भनेको टेक्नोलोजीको जमाना हो, डिजिटलको जमाना हो होइन, दर्शकहरू यति 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 दर्शकहरू यति एडभान्स भइसकेको छन् कि हामीले म्युजिक भिडियो एउटा कुनै म्युजिक भिडियो हामी रेडी गर्छौँ भनेपछि त्यो म्युजिक भिडियोलाई अलिकता डिजिटल्ली हामीले गर्न सकेनौँ, अहिलेका विषयलाई अहिलेका टेक्नोलोजीलाई युज गरेर हामीले त्यो म्युजिकको भिडियोहरूलाई हामीले प्रोडक्ट गर्न सकेनौँ भनेपछि दर्शकहरूले पक्कै पनि रुचाउँदैन, एकदमै यति एडभान्स भइसके दर्शकहरू। त्यही भएर त्यसमा भिज्नको लागि हामी नयाँ टेक्नोलोजी त भित्राउँछौँ, साथसाथमा त्यसको ज्ञानलाई पनि समेट्नुहोस्, त्यो ज्ञानलाई कहाँबाट सिक्ने, त्यसको एजुकेसनका कुराहरू हुन्छ, त्यो एजुकेसनलाई पनि सिक्नुहोस्, बाहिर गएर पढ्नुहोस् होइन, कुनै समस्या छ तपाईँहरूले मलाई मान्नुहुन्छ कतिपय ठाउँहरूमा होइन, मसँग कुरा गर्नुहोस्, कुनै समस्या छ मसँग सम्पर्क गर्नुहोस्, अरूहरू पनि हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूसँग सोध्नुहोस् टेक्नोलोजी विषय, तर अलिकति अध्ययन गरेर यो क्षेत्रलाई टेक्नोलोजी बढाउनुहोस्, म त यही भन्न चाहन्छु प्राविधिकको तर्फबाट उहाँले भन्छ, तर हाम्रो भविष्य धेरै नै उज्जवल छ, यो चलचित्र थारू चलचित्रलाई धेरै नै माथि उठ्छ, अहिले यहाँ पुग्न पुगेछ, भोलिको दिनमा यही कुराहरूलाई हामीले अप्नायो भनेपछि यसले हाम्रो विश्वमा हाम्रो थारू चलचित्र जगतलाई चिनिने ठाउँ हामी बनाउन सक्छौँ एकदम। ली ठिक भयो सरजी, ओगर पाछे अब मै फेन राज्य से अब अन्त्यवर भटी जैटी जैटी का गर्न चाहति राज्य हजुर राज्य हजुर सर अन्तिमे मोर काहे काबा गले छे जस्ते सटी सर कलै काठै टेक्नोलोजी प्रविधि अनुसार सिक आइ प्रब अब सी हमारी गीत संगीत में लगु जे जतना फे बाटै सबको जाने थोर बहुत ज्ञान लेकर गीत संगीत का हो गीत वटर गिलने लेके यदि थारू फिल्म इंडस्ट्री में आई थी कले से हमार थारू गीत बास का हो वास्तविक उठे बुझ ली कौन गीत का हो अब आधुनिकता में है फे पुरान चीज है आधुनिकता में ढाल के फे वही है बढ़िया वो समय अनुसार चली सकून से मोर यह आग्रह भाव बस हमारी छोट बाजार बाटी हमारी थारू गीत संगीत के बाजार तब फे सकू दर्शक श्रोताओं कने माया कर दे ही करती बाटी
और सबको जान के हौसला से और आगे हमारे थारू गीत संगीत बढ़ी पुरान गीत बची कना जस्ट राज्य पूछना लागल जस्ट हमरे रब जहाँ जोन समुदाय के गीत सुनबो कले से गीत नहीं नहीं बुझले से हमरे इस समुदाय के गीत हो कहके जान लेबो जस्ट गढ़वाली सुनबो गढ़वाली हुई जाए हमार पहाड़ डोटेली सुनबो ते नहीं बुझले से फिर डोटेली गीत हो कहके जान जाए मनो हमारी जस्ट हमारी थारू समुदाय के अब के गीत हेरबी कले से हिंदी गीत सुने हस लगना जो हमार फरक नहीं दे पैले यूनिकनेस रज है अब ऐसी हो खास करके हमारे ये थारू गीत संगीत में एक बात उठिल में कहा हो गया हमारे थारू एक थोड़ से अपनी के बहुत से लगभग लगभग बहुत से भाषा हमारे हिंदी भाषा से थोड़ से मिले जाए हमारे जो टोन बाजे बोलना कना शब्द ऊफे हुईलस और अब जो खास करके भोजपुरी गीत के हावी होगा खास हम कभी कले से हमारे हिंदी में अपनी के थोड़ से सब जे सुन ले से कैसे हिंदी गीत हो कि ना कन्हा सो बोलना शैली फे वस्ते बावे लगभग लगभग टोटल हिंदी तो नहीं हो फरक बा तो फिर मैंने गीत गाय लग भी कले से वह टोन जे लग वर्षे हिंदी में थोड़े ए में थोड़े दुविधा बा ओ पौराणिक पुरान गीत गाय भी कले से हिंदी में खासे नहीं जाती थी वही एकदम फुल्ली आधुनिक बना दे भी कले से अपने बात से वह लागल का जस्ट पौराणिक गीत बा पुरान गीत बास की दिया आधुनिक में ढाल के गए लेसे जोन यूनिकनेस पर था उनके वो आई की नहीं वैसे हो सर आधुनिक की कैसी कहलो की आधुनिक तब में गीत है आधुनिक रहने की अब के बाजा गाजा है आधुनिक रा पारा से डारा पर कराई पड़ का वो चीज है पुरान चीज है अपने के जस्ते दिलिया है अपनी हल्का नहीं कहे कहलो का नहीं मैं यह दिलिया ही कहा पड़ का वो नहीं नारा मतलब वो दिलिया है मैं रंग रंग कैसे भरना हो और तेरे बनाई पड़ की वो चीज के अर्थ थारू भाषा शब्द बा वो थारू भाषा शब्द है ओकर अर्थ और लगना मेरे के भाषा प्रयोग नहीं हुई पड़ल नहीं हमने के शैली मोर काहे से वह रहे सर अपने जा गली मई से सदर मोर काहे का रहे की जस्ट पुरान पुरानी गीत बा वही हमरे ओकर जस्ट कली से दिलिया में रंग फरक करके पुरान गीत बा गीतवास की फिर थोड़ा आधुनिकता में ढाल के गए से जोन हमार थारू के यूनिकनेस आई की जस्ट लागल का मिहिन अब जस्ते मान ली ना अपने के कही अब जस्ते अब कोनो एकठो गीत के बात ले ली जस्ते अपने मान ली एकठो कोनो एकठो गीत जस्ते आधुनिक गीत बनी थे बीच में जोन पुरान चीज के भक्कर भक्कर लाही कट्ठू हाँ का नाम हिबाज है पुरान शब्द हो अस्ते है मेरे के टोन जस्ते अपने के उठो अल बेली बहरी धारो अंगना ते यही में और यही है जस्ते ई बीच बीच में अस्ते अस्ते टोन डार के बनाएल जस्ते आधुनिक रही तो पक्का फिर पता रही चल जाए कि अपनी के ये हो ये हुई नहीं कि पूरा तो पूरा शुरू से लेके आधुनिक पूरा हिंदी पूरा ऊंचा गाय है सबने के कर दे भी कले से बिगड़ दे बात का ना मोरता ही कहा वो हो मैं फिर वह कब खोज रहा हूँ राजीव समय दे दिले अपने की ढेर से धन्यवाद धन्यवाद बाजू रे ली मैं एक पास अब अंत में चंद्र जी से बात करना सर अब वीर जी रही अब फिर डिस्कनेक्ट हो गई बताई ली चंद्र जी अब जैती जैती क्या करना चाहोगे अब जैती जैती अब मोर हिसाब में अब टेक्नोलॉजी का ना अपना एडवांस हाई हो गई बा तो वही टेक्नोलॉजी अनुसार हमरे अपने ने है सबको मित्रों के एडॉप्ट करके उहे कसी के सती जी के लई वहां में वहां के बात पे बहुत मैं सहमत जनाई तू अब आज ही न टेक्नोलॉजी तर भारे मिल बगी मैं आज ही का गठई जूम एप्लीकेशन मीटिंग में कहीं ज्वाइन होना था गांव हुई थे कहीं तो असिन अवस्था थे आई सेकट की हो कि नहीं तो ये अवस्था ना आए हमारे पास जाके तो समय अनुसार हमरे अपने आप ही चेंज करी यानी कि हमरे जो थारू को लेकर जगह की तरफ है मनाई बड़ी वो जैसे कि कोनो फिर चीज जैसे कि डायरेक्शन के पार्ट हो गई या कोनो खिंचाई के पार्ट हो गई या मिक्सिंग के पार्ट हो गई समय अनुसार अब नेट के जमाना फिर बाबा में कोई अध्ययन करी या कुछ चीज मतलब कि सीखी शेयर करी कुछ एक वर्कशॉप डायरी तो पक्के फिर हमारे थारू को कर जगह कहीं आगे जाके बढ़िया हुई मजा हुई और जाते जाते जूम एप्लीकेशन मीटिंग में हजूर अटेंड कर ली और सबको जाने मीटिंग में सहभागी हुई लोगों की तरफ से बहुत बहुत सबको धन्यवाद और हमारी मीटिंग है सफल परुया और हेरुया फिर सब छोटा ने फिर अपन तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और अंत में
आइना दिन में पक्के फे हमरे मिल के एक ठो बढ़िया इंडस्ट्री है, बढ़िया खड़ा एक खम्बा के रूप में धारा उ खम्बा एकदम बलगर कर के धारा सबको जाने उ खम्बा में हमरे अटाई, सबको जाने खम्बा में ईटा लगाई, सबको जाने खम्बा में कोई सीमेंट लगाई, तो ई खम्बा पक्के फे एक पिलर के रूप में खड़ा हुई भविष्य में जाके हमार आइना पुरखाओं के आइना पीढ़ियों के कहीं हेरती रही खम्बा ये थारू कर जगह रतरा ले हतरा भारी खम्बा बात है जो खम्बा के रूप में मानित करना जैसे मिलाट वो कर लग सबको जन के हाथ नाट रही हाथ नाट मिलाई अतक मजबूत धन्यवाद। अब मिहिन जहाँ सुन रहा था अब के ग्रो नहीं कुछ करना हुई जस्ट लागत तो मिहिन एकदम एकदम।